Dear student, today I solve you another problem regarding issue of shares and consideration other than cash in same questions and forfeited of shares. But समझिए एक ही क्वेश्चन में आपको बता रहे consideration other than cash, issue and forfeited of shares. देखिए क्वेश्चन को समझिए. X Limited has authorized capital of rupees 2 lakhs divided into 10 per shares. Out of these shares, 6,000 shares issued to vendor company for purchase of machinery and 8,000 shares issued to public of rupees 6 each, payable as follows: rupees 3 on acquisition, rupees 1 on allotment, rupees 1 on first call and rupees 1 on final call. The amount received on these shares were as follows. फिर से समझिए. X Limited का ऑथराइज कैपिटल कितना? ऑथराइज मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल कितना? 2 लाख रुपया. कितने का शेयर में है? 10 रुपये का. इसका मतलब है 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ही होगा. ये 2 लाख को यदि 10 से डिवाइड कीजिएगा कितना शेयर होगा? 20,000. 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ही है. उसमें से आउट ऑफ दीज शेयर उसमें से 6,000 शेयर इशू टू वेंडर कंपनी फॉर परचेज ऑफ मशीनरी. फिर से समझिए, 6,000 शेयर किसको इशू किया कंपनी ने? वेंडर कंपनी को, जिससे उसने परचेज किया एक मशीनरी. तो यहाँ पर क्या हो गया? शेयर इशू कंसीडरेशन अदर देन कैश हुआ. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है वेन एसेट्स परचेज एंड अगेंस्ट एसेट फेल इशू शेयर्स टू वेंडर कंपनी, दिस वन इज कॉल्ड कंसीडरेशन अदर देन कैश हो गया. और 8,000 शेयर किसको इशू किया? पब्लिक को किया. 6 रुपये ईच है. पेबल कैसे? रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन है, रुपीज 1 ऑन अलॉटमेंट है, रुपीज 1 ऑन फर्स्ट कॉल है और रुपीज 1 ऑन फाइनल कॉल है. और इसमें 8,000 शेयर में कैसे पैसा मिला वो बता रहे. द अमाउंट रिसीव ऑन दिस शेयर वेयर एज फॉलोज, कैसे कैसे मिला. ठीक है, देखिए उसके बाद आपको रिसीव एज फॉलो 6,000 शेयर का पूरा पैसा मिला, फुल अमाउंट. इसके बाद देखिए 1200 शेयर में कितना मिला? 5 रुपये पर शेयर. 500 शेयर में कितना मिला? 4 रुपये पर शेयर. और 300 शेयर में कितना मिला? 3 रुपये पर शेयर. फिर से समझिए, आपका क्वेश्चन में एप्लीकेशन है 3 रुपये, अलॉटमेंट है 1 रुपया, फर्स्ट कॉल है 1 रुपया, फाइनल कॉल 1 रुपया, टोटल 6 रुपया. तो 6,000 शेयर का पूरा पैसा मिल गया. 1200 शेयर में क्या मिला? फर्स्ट कॉल तक मिला. देख लीजिए, 1200 शेयर का फर्स्ट कॉल मिला, फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं मिला, 6 रुपये में 5 ही रुपये मिला. 500 शेयर का केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला, 1 रुपया, 2 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला? 4 रुपया. और 300 शेयर का खाली एप्लीकेशन मिला, क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपया है, तो इसका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं मिला. द डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर को फॉरफिटेड किया विथ लेस देन रुपीज 5 पर शेयर रिसीव. तो कितना शेयर में 5 रुपये से कम मिला? 500 शेयर में और 300, यही 800 शेयर में 5 रुपये से कम मिला. 1200 शेयर में तो 5 रुपये मिला. तो बोल रहा डायरेक्टर कितना कौन शेयर को फॉरफिटेड किया जिसको 5 रुपये से कम मिला. तो देखिए 5 रुपये से कम कितना शेयर को मिला? 800, यही 800 शेयर को फॉरफिटेड किया है. तो आपको जनरल एंट्रीज बनाना है विथ बैलेंस शीट. देखिए पहला एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डियर टू वेंडर कंपनी. ये एक्स लिमिटेड ने मशीनरी खरीदा कितने रुपये का? 60,000 का. कैसे आप पकड़े? देखिए 6,000 शेयर इशू किया 10 रुपये वाला, तो कितना हो गया? 6,000 शेयर 10 रुपये करके 60,000 हुआ. तो पहला एंट्री होगा मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डियर टू वेंडर कंपनी 60,000 एंड 60,000 होगा ना, जिससे खरीदा उसका नाम आएगा. तो नाम नहीं दिया तो वेंडर कंपनी हम लिखेंगे. यदि मान लीजिए वाई से लेता वाई लिखते, ए से लेता ए लिखते. तो यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डियर टू वेंडर कंपनी अकाउंट 60,000 एंड 60,000. उसका वेंडर कंपनी को हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं. तो वेंडर कंपनी अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 होगा. वेंडर कंपनी को शेयर दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश. ठीक है, नेक्स्ट आपका पब्लिक में कितना शेयर इशू किया? 8,000 शेयर और दाम कितना? 3 रुपये करके है. तो 8,000 शेयर का एप्लीकेशन 3 रुपये करके 24,000 मिलेगा. तो थर्ड एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डियर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000. कैसे हुआ? 8,000 शेयर पब्लिक में इशू किया, दाम कितना? 3 रुपये करके.
8,000 into 3, that is 24,000. देखिए नेक्स्ट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो जनरल इंट्री हम लोग करते हैं। पहला एंट्री ये था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000, सेकंड एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 24,000, फिफ्थ नंबर एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना, 1 रुपया करके है, तो 8,000 होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, 8,000 इनटू 1 8,000। अब देखिए छठा नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए आपका क्वेश्चन में 300 शेयर का, देखिए उसमें आप देखिए क्वेश्चन में 300 शेयर का खाली एप्लीकेशन मिला, तो इसका मतलब 300 शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला, ओनली 3 रुपीज़ मिला, तो 3 रुपीज़ का मतलब एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला। तो 8,000 में 300 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, यानी 300 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिला, 8,000 माइनस 300 दैट इज 7,700 मिला। फिर से समझिए आपका क्वेश्चन के अनुसार लास्ट पॉइंट में देखिए 300 शेयर में कितना मिला, रुपीज 3, इसका मतलब उसका अलॉटमेंट भी नहीं मिला, तो 300 शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला, तो अलॉटमेंट 1 रुपया करके, और 300 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला 300, तो 8,000 में से कितना नहीं मिला 300, तो 7,700 का। देखिए नेक्स्ट सेवन एंट्री होगा, सेवन नंबर एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, 8,000 शेयर पर 1 रुपया करके फर्स्ट कॉल अकाउंट टू क्वेश्चन, तो 8,000 लोग। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको कितना शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 300 शेयर का और 500, 800 शेयर का नहीं मिला। देखिए क्वेश्चन में 800 शेयर का कितना मिला आपको, 4 रुपया करके मिला, यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला, और 500 शेयर का और 300, 800 शेयर का, 800 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, तो कॉल सीनेरियर कितना होगा, 800, आपको लेना कितना था 8,000, 8,000 में 800 कॉल सीनेरियर हो गया, तो एक्चुअल कैश रिसीव कितना हुआ, 7,200 होगा। फिर से समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 शेयर में आपको कितना मिला, 4 रुपया मिला, और 300 शेयर में मिला 3 रुपया, तो इसका मतलब है कि 800 शेयर में आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला, तो फर्स्ट कॉल का कितना है, देखिए आपको 800 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, तो 800 रुपये नहीं मिला, तो आपको मिलना चाहिए था 8,000, 800 नहीं मिला, तो मिला कितना, 7,200। नेक्स्ट एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आपका देखिए 8,000 शेयर का 1 रुपया करके फिर आप 8,000 रुपये मांगेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एंट्री होगा 10th नंबर बैंक अकाउंट या टू कॉल सीनेरियो टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितना शेयर का नहीं मिला, देखिए आप देखिए 1200 शेयर, 800 शेयर कितना हो गया 2000, 2000 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला, 2000 रुपया नहीं मिला, ठीक है फाइनल कॉल का, तो आपका टोटल कितना हो गया, 8,000 में से 2,000 नहीं मिला, तो 6,000 रुपये मिला। आप डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्या किया, 800 शेयर को फॉरफिटेड किया, तो 800 शेयर का पेडअप कितना है, 6 रुपये करके, तो 800 शेयर का 6 रुपये करके होगा ना 6,800, उसमें अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 300 शेयर का 1 रुपया नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 800 शेयर का 1 रुपया नहीं मिला, फाइनल कॉल का 800 शेयर का 1 रुपया करके नहीं मिला, यानी इतना नहीं मिला। देखिए 8,816 नहीं मिला 4,800 में, तो जो मिला वही ना फॉरफिटेड होगा। फिर से समझिए जो पैसा आप कंपनी को दिए हैं वही पैसा फॉरफिटेड होगा, जो नहीं दिए इतना तो नहीं दिए, तो जो दिया कितना बैलेंस अमाउंट कीजिए 4,800 माइनस 1,900, तो 2,900 आपका क्या होगा, फॉरफिटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड बना रहे पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ऑथराइज कैपिटल कंपनी का कितना, देखिए ऑथराइज कैपिटल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 2,00,000 शेयर कैपिटल है, तो 20,000 शेयर ऑफ ₹10 क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर है, तो 2,00,000 रुपये में कितना शेयर मिलेगा, 20,000, तो 20,000 शेयर ऑफ ₹10। देखिए लिखिएगा लेकिन इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि कंपनी के वास्तविक पूंजी नहीं है, ये रजिस्टर्ड कैपिटल है। इशू कैपिटल कंपनी कितना इशू किया, देखिए 6,000 शेयर किया है कंसीडरेशन अदर देन कैश वेंडर कंपनी को, और 8,000 शेयर पब्लिक में किया, टोटल हो गया 14,000 शेयर ऑफ ₹10 1,40,000, समझ में आ रहा है, 6,000 शेयर जो मशीनरी खरीदा उसको दिया और 8,000 पब्लिक में, एक्चुअल फेस वैल्यू ऑफ शेयर का कितना है 10 रुपया है, तो टोटल कितना होगा 1,40,000, ये भी कंपनी का है
इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल में देखिए कंपनी 6000 शेयर इशू किया टेनिस वेंडर कंपनी को, आधा आधा कैश लिख दिए ब्रैकेट में, तो 60000, 6000 शेयर का कितना मिला, 6 रुपया करके मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36000, 1200 शेयर का 5 रुपया करके मिला यानी 6000 मिला, और फॉरफिटेड अमाउंट कितना किया कंपनी का, जो पैसा रह गया 2900, टोटल जोड़िए 104900 है। एसेट्स में देखिए नॉन करेंट एसेट्स यानी मशीनरी कंपनी परचेज किया 60000 का, और कैसेट बैंक आप कैलकुलेशन में देखिए 44900, टोटल 104900 हो गया। ठीक है, इस तरह ये बैलेंस शीट देखिए, एसेट साइड भी आपका 104900 है, लायबिलिटीज भी 104900 है। डियर स्टूडेंट आई अंडरस्टूड यू, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्लियरली, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज सेंड मी इन कॉमेंट बॉक्स, और आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अलग क्वेश्चन बताऊंगा।